हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आइए बच्चों, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। यस मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा एडिशन का टॉपिक। आज हम एडिशन में सिंगल डिजिट, टू डिजिट और थ्री डिजिट एंड फोर डिजिट के सम्स सीखेंगे और करेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं। ये हमारे हैं सिंगल डिजिट एडिशन, यानी ये हमारे सिंगल डिजिट के एडिशन है। बच्चों देखते हैं ये कैसे करते हैं। फर्स्ट डिजिट बच्चों आपको क्या दी गई है बताइए मुझे। फर्स्ट डिजिट आपकी दी गई है 2, और सेकंड डिजिट आपको क्या दी गई है। सेकंड डिजिट दी गई है 3। ठीक है, तो 2 को और 7 को आपस में प्लस करना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है। आइए बच्चों देखते हैं हम इसको कैसे जोड़ते हैं। ये देखिए बच्चों, हम पहले स्टिक्स खींचेंगे यानी डंडे खींचेंगे। देखिए 1 2, फिर 7 डंडे खींचेंगे, मतलब जितनी डिजिट दी गई है आपको उतने ही डंडे खींचने हैं। यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 डंडे खींचे, यहाँ पे 7 है तो 7 खींचने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को पता ही होगा इन सभी को हमें काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 9। सेम एज इट इज बच्चों, जितने आपको ये सम्स दिए गए हैं सेम आपको ऐसे ही करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं इनको। अब बच्चों बताइए फर्स्ट हमारी कौन सी डिजिट है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट हमारी डिजिट होगी 9। तो हम कितने डंडे खींचेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डंडे खींच लिए। तो फिर अब उसके बाद ये हमारी सेकंड डिजिट है, तो फिर सेकंड ये हमारी डिजिट है, तो अब हमें कितने डंडे खींचने होंगे, 2 डंडे। तो 1 और 2, अब इन सभी को क्या करना होगा, काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो बच्चों इसका आंसर आया 11। अब बच्चों 4 और 1, फर्स्ट डिजिट हमारी 4 दी गई है, सेकंड डिजिट हमारी 1 दी गई है। बच्चों ये हमारी फर्स्ट ट्रिक थी जो कि हम स्टिक लगा के कर सकते हैं, हम इनको उंगलियों पे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 4 डिजिट है, यानी ये है हमारी 4 फिंगर्स। ठीक है, और एक अगर हम काउंट करना है तो एक है हम अपना अंगूठा भी लगा सकते हैं। तो फिर अब इन सभी को हमें काउंट करना होगा। देखिए 1 2 3 4 5, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 5। अब बच्चों 0 और 1, तो इसका ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, 1। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट 7 और 4, मतलब 7 प्लस 4। 7 प्लस 4 कितना होता है बताइए। चलिए स्टिक के साथ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम नेक्स्ट 4 स्टिक खींचेंगे, 1 2 3 4। अब इन सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हुआ, 11। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे हमारा सेम ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम नेक्स्ट 6 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इसमें हमने 6 डंडे खींचे हैं, तो अब इन सभी को हम काउंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों इसका आंसर क्या हुआ, 15। अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने ये 6 डंडे खींचे हैं। अब हमारी नेक्स्ट डिजिट क्या है, 9। तो अब हम कितने डंडे खींचेंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों अब इन सभी को क्या करना होगा, काउंट
काउंट करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो बच्चों क्या आंसर आया? 15। अब बच्चों ये कौन बताएगा, बताइए। जी हाँ, इसको हम ऐसे ही करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन सभी को क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों? काउंट करना होगा। आइए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आया? 11। अब ये हमारे 1 और 5, इन दोनों को प्लस करना होगा। 1 प्लस 5, 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा? 6। तो बच्चों अब 6 प्लस 4 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 4, 1, 2, 3, 4। तो अब हम इन सब को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों कितना आंसर आया? 10। अब 5 प्लस 9, तो 5 प्लस 9 का करते हैं अब, 1, 2, 3, 4, 5, अब 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम इन सभी को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जी हाँ, इन सभी को हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा? 14। अब ये हमारे कितने स्टिक हैं, कितने खींचने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी कितनी डिजिट दी गई है? 6। तो हमने कितने डंडे खींचने हैं? 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इन सभी को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बच्चों कितना आंसर आया? 12। बच्चों इसमें रुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें इनको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बच्चों हमारा आंसर आया 12। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, यह हमारे कौन से डिजिट दी गई है, बताइए। जी हाँ, 3। तो कितने डंडे खींचेंगे हम? 1, 2, 3। यह हमारे कितने डिजिट दी गई है? 9। तो कितने डंडे खींचेंगे बच्चों? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम इन सभी को क्या करेंगे? काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा? 12। अब ये हमारी कितने डिजिट दी गई है, बताइए बच्चों। जी हाँ, 2। तो कितने डंडे खींचेंगे? 2। अब ये हमारी कितने डिजिट दी गई है? 7। तो कितने डंडे खींचेंगे बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब इन सभी को क्या करेंगे? काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितना आंसर आया? 9। अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, इसका हमारा 2 का 2 आएगा। अब 1 प्लस 6 कितना होता है? 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सभी को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा? 7।
अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये डिजिट कौन सी दी गई है हमारी, 8। तो अब हमें कितने स्टिक लगाने होंगे, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब हम सभी को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा, 14। अब यह हमारी 8 है डिजिट, तो अब हमें कितने डंडे खींचने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यह हमारी कौन सी डिजिट है, 9। तो हमें कितने डंडे खींचने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी इन सभी को हम काउंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा, 17। 5 का 5, 1 + 1, या तो सभी को पता होगा बच्चों, 1 + 1 2। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हमारी, दो डिजिट के एडिशन कितने हैं बच्चों, ये हमारी 2 डिजिट के एडिशन। आइए बच्चों देखते हैं, सेम बच्चों फर्स्ट पे हमने दो चेक देखा था, वो हमारी सिंगल डिजिट थी यानी 1 डिजिट के थे, यह हमारी 2 डिजिट के हैं। तो बच्चों यह भी इजी है और आप यह आसानी से कर सकते हो, अगर मैं एक करूंगी तो बाकी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट डिजिट देखिए, 1 + 2, 5 + 4, ठीक है, तो कितना होता है देखिए, फर्स्ट पे हमारा 1 है, 1, फिर 2, 1 और 2, तो इन दोनों को काउंट करना है, ठीक है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3। अब 5 + 4, तो 5 + 4 बच्चों कितना होता है, 5 डंडे खींचे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 4 है, तो अब हम 4 डंडे खींचेंगे, 1, 2, 3, 4। अब इन सभी को हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा, 93, 9 और 3। अब बच्चों अब ये देखिए, 7 + 2, तो बच्चों ये आप उंगलियों पे भी कर सकते हो, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये देखिए बच्चों यह हमारी 7 डिजिट है, ठीक है, तो 7 डंडे खींचने हैं। तो पहले हम डंडों का नहीं, हम हाथ से करके देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये मिला के और ये दोनों मिला के हमारे हुए 7। तो अब नेक्स्ट कौन सा हमारा, 2, तो बच के हमारे ये, तो इतने काउंट करने हैं, ये छोड़ना है, बाकी सभी उंगलियां हमें काउंट करनी है। आइए काउंट करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों कितना आया इसका आंसर, 9। तो बच्चों ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, 3 + 4, 1, 2, 3, ये 3 है, ठीक है, 3 हमने गिन लिया, फिर हमारा रह गया 4, 1, 2, 3 था हमारा ये, फिर 1, 2, 3 और 4, इतने रह गए बस हमारे। अब ये हमें काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो बच्चों कितना आंसर हुआ हमारा, 7। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, 2 + 6, तो बच्चों यह भी हमारे आसानी से उंगलियों पे हो सकते हैं, ये देखिए ये है हमारे 2, ठीक है,
टू तो हमने काउंट कर लिया, वन और टू, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी, सिक्स, तो सिक्स काउंट करेंगे टू के बाद, वन टू, टू तो हमारा हो गया, फिर वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब हम इन सभी को काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो बच्चों इसका क्या आया, टू प्लस सिक्स एट आना, सिक्स बच्चों सिक्स है हमारे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन और एट यानी टू और सिक्स। तो टू और सिक्स बनाना है, तो टू तो ये हमारे हो गए, ये दो हो गए, अब हम सिक्स और काउंट करेंगे इनमें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो इन सभी को काउंट करना होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो बच्चों कितना आंसर आया, एट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एट। अब फोर प्लस थ्री, बच्चों ये आप सभी खुद काउंट कीजिएगा, कितने होगा, कितना होगा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, इसका होगा सेवन, फोर प्लस थ्री सेवन। अब ये बताइए टू प्लस फोर कितना है, फोर फाइव सिक्स। तो बच्चों कितना आंसर हुआ हमारा इसका, सिक्स। अब फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री कौन बताएगा, बताइए, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा हमारा एट। अब थ्री प्लस फाइव, थ्री प्लस फाइव। तो बच्चों आप स्टिक से भी कर सकते हो, डंडे खींच के भी कर सकते हो, उंगलियों पे भी गिन सकते हो, मुझे बताइए कितना आंसर होगा, जी हाँ वेरी गुड एट। अब थ्री प्लस थ्री बताइए बच्चों, वेरी गुड सिक्स। अब टू, सेवन प्लस टू बताइए, मैंने समझाया था ना, जी हाँ वेरी गुड नाइन। अब टू प्लस सिक्स कौन बताएगा, टू प्लस सिक्स, जी हाँ एट, वेरी गुड बच्चों। अब वन प्लस फोर कौन बताएगा, बताइए गिनिए, वन, फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी, वन, तो पहले हम कौन सा गिनेंगे, वन, फिर फोर, वन टू थ्री फोर, वन फिर वन टू थ्री फोर। तो अब इन सभी को काउंट कीजिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव। तो बच्चों क्या आया इसका आंसर, फाइव। अब वन प्लस थ्री कौन बताएगा, वन और थ्री फोर, सेवन प्लस टू, सेवन में टू ऐड करेंगे कितना होगा, जी हाँ वेरी गुड नाइन। अब सिक्स प्लस वन कितना होगा बच्चों, बताइए, वेरी गुड सेवन। अब फोर प्लस टू, वन टू थ्री फोर, फोर काउंट हो गए, फिर वन और टू, इन सभी को अब काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो बच्चों कितना आंसर हुआ, सिक्स। अब थ्री प्लस फोर इजी सा है बच्चों, वन टू थ्री, थ्री काउंट किए इसके बाद फोर, वन टू थ्री और फोर, इतने काउंट करने हैं उतना ही आंसर होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो बच्चों कितना आंसर आया इसका, सेवन, थ्री प्लस फोर सेवन। अब थ्री प्लस फाइव बताइए मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड एट।
अब 2 + 4 बताइए। वेरी गुड, 6। 4 + 5, 1, 2, 3, 4। 4 में हमें 5 ऐड करनी है। देखिए 1, 2, 3, 4, फिर ये हमारे हो गए 5। अब इन सभी को काउंट कर लीजिएगा, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों कितना आंसर आया? 9। 3 + 2, 1, 2, 3, फिर 2, 1, 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा? 5। 2 + 1 कितना होता है? 2 और 1, 1, 2, 3। तो कितना आंसर होगा बच्चों? 3। 4 + 3, 4, 1, 2, 3। अब इन सभी को काउंट कीजिएगा, इन सभी उंगलियों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बच्चों कितना होगा? 7। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे बच्चों 3 डिजिट के सम्स। इनमें हमारे कैरी के सम्स है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी से है, आपको आराम से आ जाएंगे। ये हमारे 4 है, कुछ इसमें है और कुछ नहीं भी है। 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3। अब इन सभी को हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बच्चों 4 + 3, 7। 2 + 2 बताइए, 2 और 2, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा? 4। 5 + 2, वेरी गुड, 7। 2 + 2 बताया था ना, वेरी गुड, 4। 2 + 5, वेरी गुड बच्चों, 7। 4 + 4 यानी ये हमारे 4 है और ये 4 है। इन सभी को काउंट कर रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों कितना आंसर आया? 8। 5 + 3, 5 और 3। तो इनको काउंट कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा? 8। 2 + 2 बताइए, 4। 7 + 2 बताइए बच्चों, 9। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, 2 + 3 बताइए, 5। अब 3 + 2, वेरी गुड, 5। 8 + 1, 9। 3 + 6, वेरी गुड, 9। 5 + 3 बताइए, उंगलियों पे करके बताइए, वेरी गुड, 8। 2 + 2, 4। 7 + 2, वेरी गुड, 9। 5 + 4, वेरी गुड बच्चों, 9। 4 + 3, वेरी गुड, 7। 5 + 4, 8। वेरी गुड,
5 + 3, वेरी गुड, 8, 6 + 3, 9, वेरी गुड, 4 + 3 कितना होता है? 7, वेरी गुड, 2 + 4, 7, 3 + 2, वेरी गुड, 5. बच्चों आप साथ साथ नोटबुक में कर रहे हो ना, कीजिएगा और आपको समझ में भी आएगा. अब 9 का 9 ही आएगा. 4 + 3, 7, 9, 4 + 3, 7, वेरी गुड, 4 + 4, बताइए. जी हाँ, 8. अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं. अब हमारे आते हैं बच्चों 4 डिजिट के सम्स, ठीक है? आइयो आइए देखते हैं. 8 + 9, ये हमारे आगे बच्चों कैरी वाले सम्स. 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. फिर हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या है? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब हम इन सभी को बच्चों काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो बच्चों हमारा कितना आंसर आया? 17. तो बच्चों इसमें क्या है कि हमें 17 का 17 नहीं लिखना है, 17 का हम 7 ले लेते हैं, ठीक है? तो 7 हमने यहाँ लिख दिया. अब बच गया हमारा 1. तो 1 हम यहाँ पे इसको सिंगल कैरी दे देते हैं. अब हम इन तीनों को काउंट करेंगे, 1, 2, 3. तो बच्चों कितना आया? 3. अब 2 + 2 कितना होता है? 4. अब 7 + 9, तो 7 + 9 अगर आपको गिनना है तो पहले हम 7 डंडे खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फिर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो अब हम सभी को काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो बच्चों यह हमारे सम्स ऐसे होंगे. आइए इनको बाकी जो रहते हैं उनको करके देखते हैं. 5 का 5, 1 + 2, 3, 4 + 3, 7, 8 + 4, 11, वेरी गुड. अब बच्चों 9, 9, 6, 1 + 6, 7, वेरी गुड. अब 9, 9 से 9 ही उतार लेंगे, 4 + 4, वेरी गुड, 8. अब 1 + 4, 5, 1, 1,
4 + 8 कितना होता है बताइए। 1 2 3 4, 4 डंडे खींचे, फिर 8 है हमारा, तो हम कितने डंडे खींचेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इन सभी को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों कितना आया हमारा? 12। तो बच्चों इस वाले सम में बताया था ना मैंने, ये 12 का जो 2 है ये ले लेते हैं, ये रखना है हमें यहाँ पे 2, और ये 1 यहाँ जाएगी कैरी ऊपर। अब हम इन तीनों को काउंट कर लेते हैं। अब हम इनको काउंट कैसे करेंगे? पहले हम यहाँ पे 1 का 1 उतार लेंगे, फिर ये 9 है, ये 9 डिजिट बच्चों, आपको 9 डिजिट है, ये हमारी 9 डिजिट है, हम 9 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमारे 2 है, तो हम अब 2 डंडे खींचेंगे, 1 और 2। फिर इन सभी को काउंट कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 और 12। तो बच्चों कितना आंसर आया? 12। तो बच्चों यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 12। अब बच्चों 5 का 5 आ जाएगा, 7 + 3 कितना होता है बताइए, 7 + 3 कितना होता है? वेरी गुड, 10। तो 10 का 10 तो बच्चों हम लिख नहीं सकते, तो हम 10 की यहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो हमने 10 की यहाँ पे 0 तो यहाँ लगा दी, और फिर 1 कैरी, ये वाली जो कैरी थी हमने इस वाली लाइन में चढ़ा दी। तो अब 1 और 2, 1 + 2 गिनना है, 1 + 2 कितना होता है? यस मेरे प्यारे बच्चों, 1 + 2 होता है 3। तो बच्चों इसका क्या हो गया आंसर? 3। 6 + 8, तो सिंपल सी बात है, हम डंडे खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 8 है, तो अब हम कितने डंडे खींचेंगे बच्चों? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इन सभी को क्या कर लेंगे बच्चों? काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा? 14। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए, 2 + 8, वेरी गुड, 10। तो बच्चों क्या बताया था मैंने, 0 कहाँ आएगी? यहाँ, और 1 कैरी कहाँ जाएगी? यहाँ। तो अब हम इन तीनों को काउंट करते हैं, 0 को तो काउंट होगा नहीं, तो 1 2 3 4। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा? 4। 2 + 3, वेरी गुड, 5। अब 9 + 6 कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हमारा 6 है, तो अब हम 6 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम इन सभी को बच्चों क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आंसर आया? 15। अब मेरे प्यारे बच्चों 7 + 6 बताइएगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सी है हमारी? 6।
1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इन सभी को क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो बच्चों 1, 3, 13 का ये जो हमारा 3 है ये कहाँ आएगा? यस मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा हमारा यहाँ, और ये हमारा 1 कैरी 7 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब 1 और 7 और 3 इन दिनों को काउंट करना है। ठीक है, 1 फिर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर है हमारा 3, 1, 2, 3। अब इनको काउंट कीजिए, इनको काउंट कीजिए बच्चों, बोलिए मेरे पीछे पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो बच्चों कितना आया? 11। अब मेरे प्यारे बच्चों 11 का 11 तो हम लिख नहीं सकते। ठीक है, तो 11 का 1 हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ 11 की एक कैरी और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम इनको काउंट करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। वन और एट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1। अब हम इनको काउंट कर लो, कर लीजिए, इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों कितना आंसर आया? 9। 2 प्लस 6, अब बच्चों बताइए 2 प्लस 6 कितना होता है? वेरी गुड, 8। अब 1 प्लस 3, 4, वेरी गुड। 5 प्लस 9, तो हम फिर से स्टिक खींच लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला 5, फिर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम सभी को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो बच्चों क्या बताया था बताइए, 14 का 4 कहाँ आएगा? जी हाँ, यहाँ, और 1 कैरी ऊपर। अब हम इन तीनों को काउंट कर लेते हैं, वन, और फिर दोबारा 1, फिर उसके बाद 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब हम इनको फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 आया है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बताया था 11 का 11 तो हम नहीं रख सकते, तो हम यहाँ रखेंगे 1, और 1 कैरी हम किसको देंगे? 8 को देंगे। तो अब हम 1, 8 और 1 इन सभी को काउंट करेंगे। वन, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उसके बाद फिर से 1। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों कितना आंसर आया? 9। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 प्लस 3 बताइए बच्चों। जी हाँ, 4, 5, 5 आ जाएगा, फिर 7 प्लस 3, वेरी गुड, 10। तो 10 की जो 0 है वो कहाँ आएगी मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ, और 1 कैरी ऊपर, 1, 5 और 2, इन सभी को ऐड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2, 1 और 2, 6, 7 और 8। तो कितना होगा बच्चों?
एट, टू प्लस टू फोर, अब 9 प्लस 7 कितना होता है बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगी हमारी, 7, तो हम कितने डंडे खींचेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इन सभी को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा, 16। तो 16 का 6 यहाँ आ गया, तो 1 जो कैरी है वो 6 के ऊपर आ गई। तो अब हमें 1, 6 और 4 इनको काउंट करना है, 1 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 4 1 2 3 4। तो अब इनको काउंट कर लेंगे हम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों कितना आया, 11। अब 11 का 11 तो हम नहीं लिख सकते, तो 11 का 1 ले लेते हैं, तो 1 तो हमने यहाँ लिख दिया और 1 कैरी हमने ऊपर लगा दी, तो 6 1 6 और 8 इनको काउंट करना है। तो पहले हमारा आ गया 1, फिर आ गया 6, 1 2 3 4 5 6, फिर आ गया हमारा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अब हम इन सभी को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आंसर आया, 15। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 प्लस 6 बताइए, वेरी गुड, 9, 5 से 5 उतार लिया, फिर 7, 1 प्लस 6 7, वेरी गुड, अब 6 प्लस 9 तो 6, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारी बड़ी डिजिट है हम इनको भी उंगलियों से आराम से कर सकते हैं, यह हमारे कुछ डिब्बे दिए गए हैं, 4 डिब्बे दिए गए हैं, इन सभी को यहाँ पे आप ऐसे काउंट कर लीजिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमारे यहाँ तक काउंट हो गए, यहाँ तक। फिर हमारी नेक्स्ट डिजिट है 9, तो 9 काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9, तो फिर से इसी पे ही। तो अब हम इन सभी को मिलके काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारा, 15। तो 15 का जो हमारा 5 है वो यहाँ रख लेते हैं, और फिर 1 कैरी ऊपर, 1 1 1 1 1 7, ये 2 बार हमारा 1 है, 1 बार हमारा 7 है, इनको प्लस करना है, तो इनको हम 2 मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कितना आया, 9। अब यह 9 और 7, 9 प्लस 7 कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद हमारा क्या है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बच्चों कितना आंसर आया, 16। तो 16 का 6 हम यहाँ लिख लेते हैं और 1 कैरी ऊपर, तो अब इन सभी को हम काउंट करते हैं, 3 4 5 6, तो इसका आंसर यह आता है। अब
4 + 6 बताइए. वेरी गुड, 10. तो 10 का 0 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी ऊपर. 1 + 9, 10. तो 0 यहाँ कैरी ऊपर. 1, 5 और 6, इन सभी को प्लस करके क्या आता है? जी हाँ बच्चों, 12. तो 2 यहाँ लिखा और कैरी 1 ऊपर. फिर हम इन सभी को फिर से काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो कितना आंसर आया? 6. तो अब 6 और 7 बताइए. 6 + 7. वेरी गुड, 13. 13 का 3 यहाँ पे, कैरी 1 ऊपर. अब इन सभी को काउंट करके बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों. वेरी गुड, 11. 11 का 1 यहाँ पे और फिर इन सभी को काउंट कीजिएगा. वेरी गुड, 12. अब इनको कीजिएगा बच्चों. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18. तो बच्चों इसका आंसर क्या आया हमारा? 18. अब 8 + 4. वेरी गुड, 12. 12 का 2 यहाँ आ गया और 1 कैरी ऊपर. तो अब इन सभी को काउंट कीजिएगा. वेरी गुड, 10. फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11. 1 कैरी ऊपर. फिर अभी इनको काउंट कीजिएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर 3 है, 6, 7, 8, 9. तो कितना आंसर आया? 9. अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 + 8. वेरी गुड, 13. 13 का 1 कैरी ऊपर. तो अब हम इन सभी को काउंट कर लेंगे और बताइएगा कितना आंसर आएगा. वेरी गुड, 9. 4 + 7. वेरी गुड, 7, 8, 9, 10, 11. फिर अब इनको काउंट कीजिएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13. अब बच्चों 5 + 2 बताइएगा. वेरी गुड, 7. और 7 + 9. वेरी गुड, 16. और 1 कैरी ऊपर. तो अब इनको काउंट कीजिएगा, 1. इसका आंसर आया 8. फिर 2 + 5. वेरी गुड, 7. अब यहाँ हमारा 7 का 7. और 8 + 8 कितना होता है यहाँ पे करके देखते हैं बच्चों. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. तो यहाँ पे हमारा 8 आया ना, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं. 8 तो हमने अपना रख लिया, तो 8 के बाद क्या आएगा वो डिजिट गिन लीजिए आप. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16. तो बच्चों इसका आया 16. 16 का 6 यहाँ और 1 कैरी ऊपर. अब इन सभी को काउंट कीजिएगा, 6 + 1, 7. और 7 + 5, 12. 2 और फिर 1 कैरी ऊपर. फिर 9 + 1, 10. और 10 + 5, 15. अब 8 + 2 कितना होता है? वेरी गुड, 10. तो 0 यहाँ, फिर एक कैरी ऊपर. फिर 5 + 1, 6. और 6 + 7,
वेरी गुड, 13। अब 4 प्लस 1 5, तो 5 प्लस 4 9, वेरी गुड। अब 5 प्लस 9 वेरी गुड, 14। फिर 5 प्लस 3, सॉरी 3 प्लस 5, वेरी गुड बच्चों, 8। फिर 7 का 7, 0 का 0, 3 प्लस 1 4, वेरी गुड। बच्चों यह लिखा नहीं जा रहा है, तो यह हमारा 4 है। अब 1 प्लस, फिर यहाँ पे 1 का 1, 4 प्लस 2 7, वेरी गुड। और 3 प्लस 9 वेरी गुड, 12। तो 12 का 2 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी ऊपर। फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, 1 प्लस 1 2, 8 का 8, और फिर 2 प्लस 9, वेरी गुड, 11, 11 कैरी ऊपर। फिर 7 प्लस 1 8, 8 में 7 ऐड कर दीजिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। सॉरी बच्चों, इसका आएगा 16। फिर बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, 1 का 1 आ जाएगा और फिर 7 प्लस 1 8, और फिर 2, 7 प्लस 7 वेरी गुड, 14। 3 प्लस 3 वेरी गुड, 6। 2 प्लस 4 वेरी गुड, 6। 3 प्लस 8 वेरी गुड, 11। 11 का 1 यहाँ और कैरी ऊपर। तो अब हम इनको काउंट कर लेंगे, 2 प्लस 1 3, और फिर 4 का 3 प्लस 4 वेरी गुड, 7। अब 1 प्लस 9 कितना होता है, 10। फिर 1 प्लस 3 4, और 4 प्लस 4 8। 2 प्लस 2 4, और 9 प्लस 6 बताइए, 9 प्लस 6 वेरी गुड, 11। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 1 सेकंड, 11 नहीं होगा इसका। यहाँ हमारी आ गई 0, और फिर 1 कैरी ऊपर, 3, 4, 8,
टू प्लस टू फोर, और फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये देखिए बच्चों कितनी आसानी से हमने सिंगल डिजिट, टू डिजिट और थ्री डिजिट और फोर डिजिट की है, और इसमें हमने फोर डिजिट में हमने कैरी के सम्स भी किए हैं। और बच्चों आप भी ऐसे ही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको होमवर्क देती हूँ, जितना भी मैंने समझाया है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके और अपनी मम्मा को दिखाइएगा, और आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा, और आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय बच्चों।